दोस्तों अभी 2 दिन नहीं हुए मुझे आपको एक वीडियो बना के दी जहां मैंने अंदाजा लगाया था कि मुकेश अंबानी और अडानी मिलके क्या अनिल अंबानी जी को बचाने का कुछ प्लान कर रहे हैं, क्या आर पावर को बचाने की कोई स्ट्रेटजी रची जा रही है। एक स्ट्रेटजिक डिस्कशन किया था मैंने, ये मेरा सोचना था, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है। मुझे जो लग रहा था मैंने इस वीडियो में डाला, जाके जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 2 दिन के अंदर अंदर रिलायंस पावर और साथ में अडानी पावर लगातार सर्किट पे सर्किट लगा रहे हैं। आज रिलायंस पावर में सर्किट लग गया, 30 रुपए 30 पैसे हो गया। 2 दिन पुराने भाव को देखेंगे तो 2 दिन पुराना जो भाव था वो 28 रुपए के आसपास में भाव था, 28 रुपए 50 पैसे। आज 30 रुपए 30 पैसे के आसपास में मोटा मोटा वहां से 10% की रैली कहीं ना कहीं देखने को मिल चुकी है। अब यहां पे अगर बात करते हैं अडानी पावर की, तो अडानी पावर भी ऑटोमेटिकली 2 दिन के अंदर, देखिए 2 दिन के अंदर ये 525 से 30 रुपए का भाव था जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, उसके बाद में 588 आज भी अपर सर्किट है। 3 दिन में ऑलमोस्ट 12 से 15% की रैली इसमें हो चुकी है। अब अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरा कसूर नहीं है, वीडियो आपके पास नहीं आता है तो इसका मतलब ये कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है पर बेल नोटिफिकेशन पर ऑल को क्लिक नहीं किया है, इसलिए सभी वीडियो शायद टाइम पे आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं। तो प्लीज अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं आज एक और ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले जो थंबनेल में आपने देखी होगी, ऐसी कंपनी जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से जानी जाती है। जी हां, भारत से जुड़ी है इसलिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, बट क्या वो कंपनी सिर्फ हैवी इलेक्ट्रिकल्स की वजह से है या उसमें कुछ और बड़ा गेम पकता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले बीएचईएल के बारे में। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको मालूम है बीएचईएल के बारे में तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप बीएचईएल को सुनना चाहते हैं, मेरा व्यू लेना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देख के ही जाएगा। और हाँ, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है तो प्लीज वीडियो को एनालिसिस के तौर पे ही देखें। जो भी टारगेट्स हम निकालते हैं वो चार्ट पे निकालते हैं, चार्ट की हेल्प से निकालते हैं, फिबोनाची टूल की हेल्प से निकालते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर की हेल्प से निकालते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग के हिसाब से लेवल्स निकालने की कोशिश नहीं की जाती है। तो प्लीज एक प्लान बनाएंगे, अगर हमें बीएचईएल लेना है तो कहाँ ले सकते हैं, एक प्लान बनाएंगे अगर बेचना है तो कहाँ बेच सकते हैं, एक प्लान बनाएंगे स्टॉप लॉसेस क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, होंगे नहीं, देयर इज नथिंग गारंटेड इन द स्टॉक मार्केट। तो प्लीज दिस इज योर चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हाउ टू ट्रेड टुडे, मतलब आज कैसे काम करना था, मतलब 2 अप्रैल को हमें निफ्टी और फिन निफ्टी में काम करना था, इसके लेवल एनालिसिस डिस्कस करके सुबह 7 बजे वीडियो आपके पास में आ गई थी। कल है बुधवार, कल आपके पास आने वाली है निफ्टी के साथ साथ में बैंक निफ्टी की वीडियो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सुबह 7 बजे आपको फ्रेश माइंड से पूरी डिटेल एनालिसिस आपको मिलने वाली है। 1300 लोगों ने देखा है, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि कुछ लोग सुबह 7 बजे भी मेहनत करते हैं, राइट। तो चलिए हम चलते हैं बीएचईएल के बारे में, बीएचईएल को कौन नहीं जानता। तो बीएचईएल के ऊपर जब वीडियो बनाया था जब वो 23 से 25 रुपए की रेंज में था, आज से कुछ टाइम पहले आप देख सकते हैं पुराना जो चैनल है मेरे ही नाम से जिसमें 89,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ये चैनल अटक गया था, व्यूज नहीं आ रहे थे, मुझे नहीं मालूम क्यों, इसलिए नया चैनल स्टार्ट किया और आपके प्यार से नए चैनल पे भी हम 98,000 सब्सक्राइबर्स से पहुंच गए। 89,000 पे अटका हुआ है, यहां भी अगर सिल्वर बटन लाना तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। यहां पे 7.14 करोड़ की डिलीवरी उठी थी, ये वीडियो 3 साल पहले 9,000 व्यूज सिर्फ आए थे। 3 साल पहले का रेट जाके देख लो, खाली 25 से 30 रुपए के आसपास में, 25 से 30 रुपए के अंडर में रेट था, वहां पे वीडियो बना के दिया था। तो यहां पे अब इस चैनल पे दोबारा से बीएचईएल आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या बीएचईएल को हम इस भाव पे जो आज की रेट में चल रहा है क्या यहां भी इसको ट्रेड किया जा सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 25 पे का 30 पे का, और क्या हम इसको 250 रुपए के भाव पे इस स्टॉक को अभी भी ले सकते हैं। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बीएचईएल एमएससीआई की लिस्ट में ऐड हो चुका है, मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स के अंदर में। मतलब यह है कि बीएचईएल में कहीं ना कहीं निवेश आएगा। अभी निवेश आएगा क्यों, निवेश इसलिए आएगा क्योंकि आपको शायद नहीं मालूम है कि जो बीएचईएल है सिर्फ और सिर्फ हैवी इंजीनियरिंग की कंपनी नहीं है, ये सिर्फ ये काम तो करती करती है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इज इन डिजाइन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर इरेक्शन टेस्टिंग कमीशनिंग एंड सर्विसिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज फॉर द कोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लाइक पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन रिन्यूएबल एनर्जी ऑयल गैस एंड डिफेंस। जी हाँ, सब कुछ इसके अंदर आ गया। थर्मल पावर की मैं बात कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि बीएचईएल पावर स्टेशंस भी खड़े करती है और रीसेंट ऑर्डर मिला है इसको, यहां पे देख सकते हैं कि बीएचईएल को यहां पे 4,000 करोड़ का ऑर्डर मिला अदानी पावर से 1600 मेगावाट रायगढ़ फेज 2 में थर्मल पावर प्लांट सेटअप करने के लिए छत्तीसगढ़ में, राइट। 6 दिन पुरानी न्यूज है, 6 दिन पुरानी न्यूज है, पुरानी न्यूज ज्यादा पुरानी नहीं है। और टीटागढ़ रेल सिस्टम के साथ में जो जॉइंट वेंचर हुआ था जहां पे 24,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दोनों को मिला था, क्या बनाने के लिए, 80 वंदे भारत सुपर ट्रेन बनाने के लिए इंडियन रेलवे के लिए। तो इतनी बड़ी कंपनी जिसकी फ्लैगशिप के अंडर में वंदे भारत ट्रेन्स बन रही, आने वाले टाइम में और बहुत सारे काम होंगे, और पावर सेक्टर जिसको 17 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिलने वाला है अगले आने वाले 5 साल के अंदर में, वहां पे बीएचईएल जैसी कंपनी जिसको अदानी पावर कह रहा है कि हमारे लिए आप एक प्लांट रेडी कर
दीजिए। तो आने वाले टाइम पे सोच के देखिए ये कंपनी क्या से क्या हो सकती है। फंडामेंटल्स आई होप क्लियर है। यहाँ पे अभी तक BHEL अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक का पी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं करती दिखाई दे रही। क्यों नहीं करती दिखाई दे रही? क्योंकि कंपनी भैया हैवी वेट कंपनी है, कंपनी के अंदर कैपेक्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अभी थर्मल के अंदर में, इंजीनियरिंग के अंदर में, मेड इन इंडिया के अंदर में, मेक इन इंडिया के अंदर में यहाँ पे ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट होंगे। तो आने वाले समय में ये जो लॉस मेकिंग कंपनी दिखाई दे रही है, अगर हम भारत सरकार की माने तो आने वाले समय में कोई भी ऐसा भारत सरकार का उपकरण नहीं रहेगा, ऐसी कंपनी नहीं रहेगी भारत सरकार, कोई भी उद्यम, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं रहेगा जहां पे वो प्रॉफिटेबल ना हो। तो मेरे हिसाब से अभी BHEL को सही समय है अपने वॉच लिस्ट में डाल लेने का, ताकि अगर आपको बाइंग करनी है तो आप इसको बाइंग कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में डालने के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक दिखाई देता है। अब BHEL को देख लेते हैं पूरा टेक्निकल्स पे, टेक्निकल्स पे क्या टारगेट निकलते हैं, क्या स्टॉप लॉस निकलते हैं। और मुझे बहुत ही शानदार लगता है फायर्स का टर्मिनल। फायर्स का अकाउंट खोलने के लिए, फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट राइट नाउ। जैसे ही 1000 एक्टिव ट्रेडर्स फायर्स में अकाउंट खोल लेते हैं मेरे लिंक से, आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हूं, बहुत ही जल्दी सरप्राइज आने वाला है। और चैनल को 1,00,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, बहुत ही जल्दी दोनों सरप्राइज आपके सामने आने वाले हैं। तो अगर BHEL की हाल फिलहाल बात करते हैं, मंथली चार्ट पे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में ये भाव बढ़ने के बाद में करेक्शन भी यहां देखने को मिल चुकी है। 275 रुपीज का हाई लगाने के बाद में स्टॉक ने एक जर्क दिया 208 रुपए के आसपास में, अच्छी खासी 30% के आसपास की करेक्शन हो गई। 30% की करेक्शन के बाद स्टॉक ने दोबारा चलना स्टार्ट किया 250 रुपए से। अभी फिलहाल स्टॉक ने जो हाई लगाया वो लगाया है 254 रुपए के आसपास, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में है। 208 रुपए का लो लगाने के बाद में 250 बढ़ चुका है 25%। आप कह सकते हो 25% बढ़ने के बाद वो बता रहा है, ठीक है भैया ये पॉसिबल नहीं है कि 5,000 शेयर के ऊपर एक ही दिन वीडियो बना दी जाए, ना ही ये पॉसिबल है कि सभी शेयर मेरे कान में आके बताते हैं विपुल मैं भागने वाला हूं तू ले ले। वॉचलिस्ट रखनी पड़ती है, और वॉचलिस्ट देखिए मेरी कितनी बड़ी वॉचलिस्ट है, तरह तरह की वॉचलिस्ट है। ये देखिए सारी वॉचलिस्ट बना के रखता हूँ कि भैया कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो जो वॉचलिस्ट के नाम रखे हैं कौन सी कंपनी में मैं ट्रैक कर रहा हूँ। कभी कोई सीमेंट का पोर्टफोलियो अलग से है, तो ये सब ट्रैक करना पड़ता है। डिफेंस इंजीनियरिंग का पोर्टफोलियो अलग से है, ऐसे स्टॉक नहीं मिलते हैं, ढूंढते रहना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, कभी कभी दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है, फिर फ्रेश होना पड़ता है। तो जब बाजार में बैठते हो कोई चीज समझ में आती है तो कभी लेट नहीं होती। आपको अदानी पावर में जब से बोला जो 150 रुपए के आसपास में था, आज 500 रुपए के पास भी आपको दोबारा वीडियो बना के थी, वहां से भी स्टॉक चल रहा है। तो स्टॉक के चलने का कोई अंत नहीं होता है, ध्यान रखना। रिको ऑटो की वीडियो दी थी वो चल गया, कुछ वीडियोस नहीं चलती भैया क्योंकि मैं आपको टिप नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूं। तो यहां पे अगर देखने की कोशिश करते हैं तो लेवल जो एनालिसिस निकल के आ रहे हैं फिबोनाची के हिसाब से, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया सा ब्रेकआउट BHEL में दिखाई दे रहा है और ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे जो लेवल एनालिसिस निकल के आ रहा है वो बहुत ही क्लियर है, 250 रुपए के आसपास में सस्टेन करता है प्राइस, तो 310 रुपए तक के टारगेट फिबोनाची के हिसाब से निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे 390 रुपए तक के हो सकते हैं, और जैसे ऑर्डर इनको मिल रहे हैं स्पेशली थर्मल के, स्पेशली पावर सेगमेंट से, तो आने वाले टाइम में क्योंकि ये कंपनी जो पावर स्टेशंस बना रही है तो थर्मल की भी सेटअप करेगी, आने वाले टाइम में सोलर सेटअप्स भी करेगी, और गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट इसको कोई भी ऑर्डर दे सकती है, कैसे भी ऑर्डर दे सकती है, इसको पूरे कर रहे होंगे, नखरे नहीं कर सकते, कैश रिच कंपनीज हैं, पैसे की कोई कमी है नहीं, सरकार की अपनी कंपनीज हैं, प्लान्स इनके सामने हैं, तो कंपनी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। डेट खाली 9,000 करोड़ का है, 87,000 करोड़ की कंपनी है, तो डेट टू इक्विटी एब्सोल्युटली डिफाइंड। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत दिखाई देती नहीं है, फंडामेंटल के बेसिस पे इसको आप ट्रेड नहीं शायद कर सकते, बट टेक्निकल्स के बेसिस पे मुझे ये कहीं ना कहीं अभी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे छोटा सा सपोर्ट लेना है, देखिए फिबोनाची को मैंने प्लॉट किया पिछले महीने के हाईलो के ऊपर में, तो यहाँ पे अगर पिछले महीने के हाईलो से बात करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो 250 रुपए का एक लेवल निकल के आ रहा है, 250 से लेके 242 का एक जोन है। इस जोन को क्रॉस करने के बाद में स्टॉक 262 के आसपास ऑर्डर लेगा, 276 से ले 295 तक के टारगेट्स बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 50% रिट्रेसमेंट का 242 का, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत ही वैलिड स्टॉप लॉस बनता है पिछले पूरे महीने की कैंडल का 50%। तो यहां इसके ऊपर यहां पे स्टॉप लॉस बहुत नियर बाय है, तो किसी भी भाव के आसपास में सबसे पहले आपको यह बताना चाहिए कि अगर मुझे कहीं भी एंट्री करनी है तो नियरेस्ट स्टॉप लॉस पॉइंट क्या है, कि अगर मैं गलत हुआ, इफ आई गो रॉन्ग, तो मेरे लिए एग्जिट मिलेगा क्या? एग्जिट अगर 10 पॉइंट पे निकल जा रहा हूं, अब आप बोलेगा मैं 10 पॉइंट का लॉस क्यों लूं? भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना नुकसान करते हो, 10 पॉइंट का इक्विटी में नुकसान नहीं झेल सकते। ये सब आपके ऊपर लेना है या नहीं लेना, ये मेरा लॉजिक है, मेरा लॉजिक गलत हो सकता है, अगर आपका जो लॉजिक है अगर वो बेस्ट है तो आप उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, बट मेरे हिसाब से अभी यहां पे एक जोन है 250 से लेकर 252 जो क्रॉस हो चुका है कहीं ना कहीं,
42 से लेके 50 का, अब यहाँ पे 62 एक हर्डल की तरह काम करने वाला है, और जैसे ही 62 के ऊपर निकलेगा मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रैली देखने को मिल सकती है जो 295 से 320 तक की रैली हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप हो तो इंप्रूव जरूर कर सके। और कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, जैसे कल का जो वीडियो था हमने बात की सुजलोन में इनकम टैक्स ने लगाई पेनल्टी, मुंह से निकल के जीएसटी ने लगाई पेनल्टी, भाई उसके लिए हम रियली सॉरी। कभी कभी क्या होता है वी गेट कैरिड अवे, एक्साइटेड होते हैं वीडियो बनाने के लिए, कुछ न कुछ मोशन होते हैं जिसकी वजह से ये गलतियां हो जाती हैं, आप करेक्टेड दैट मिस्टेक, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट माइनर मिस्टेक, उसको आप इग्नोर कीजिए, भावनाओं को समझिए, है ना, भावना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्लीज चैनल पर रहिए क्योंकि निफ्टी के साथ में अब कल बैंक निफ्टी की दबारी है, कल बैंक निफ्टी का वीडियो आने वाला है, सुबह 7 बजे आपको वीडियो लाइव हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बाजार को लाइव सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, लाखों रुपए की फीस पे नहीं करना चाहते, तो सिर्फ 6,000 रुपए की फीस के साथ में महीने की, पूरे एक महीने की फीस ट्रेडिंग रूम की है, और सुबह 9 से 11 और दोपहर को 2:30 से 3:30, ये दो पार्ट में हम लाइव सेशन करते हैं। लाइव सेशन में जो जूम मीटिंग के ऊपर में रहता है वहाँ पे लाइव सीखते हैं, लाइव ट्रेड ढूंढते हैं, तो वहाँ पे लर्निंग करने की कोशिश भी करते हैं, अर्निंग करने की कोशिश भी करते हैं, पर किसी भी तरह की टिप समझ के नहीं आने की जरूरत है। और उसका प्लीज आपको 6,000 रुपए क्यों देने हैं, 6,000 रुपए इसलिए देने हैं ताकि अगर आप सीरियस हैं तो ज्वाइन कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आता 3 दिन प्लीज बैठिए, 3 दिन मैं रिक्वेस्ट करूँ, 3 दिन बैठ के देखिए हम क्या बोलते हैं, भाषा समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अपना सवाल पूछने की कोशिश कीजिए, अगर समझ में आए तो स्टे कीजिए, नहीं तो तीसरे दिन, 3 दिन के बाद 4th दिन आप हमसे पैसा रिफंड कर सकते हैं, कोई भी फीस नहीं कट की जाएगी, सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है भाई क्यों जा रहे हैं, अगर आप कहेंगे मुझे नहीं बताना, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, बड़ा मजा आया, हम यही कहेंगे, और आपको आपके पैसे बिना पूछे आपसे रिफंड कर दिए जाएंगे, आपसे कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पे एक सीरियस है, पूरा एक महीने की फीस सिर्फ 6,000 रुपए, मतलब 200 रुपए रोज के, पूरी इंडिया में लाइव मार्केट में कोई क्लासेस नहीं चलती है, सिर्फ आपको मिलेगी मेरे साथ है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऐसा ही प्यार देते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।